अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी। डेली वोकैबुलरी इज गुड वैल्यू फॉर मनी। इट वाज अ रिक्वेस्ट बाय शिव दिवार ओम शांति एंड शिव दिवार हियर इज योर लेसन। अच्छा, जो गुड वैल्यू फॉर मनी है ये एक ब्रिटिश फ्रेज है और इसका मतलब ये होता है समथिंग इज वेल वर्थ द मनी स्पेंट ऑन इट। देखें, ब्रिटिश जो बरतानिया है वहाँ पर ये बोली जाती है, ये वहाँ की फ्रेज है। ठीक है, आपको पता होगा कि एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश की फ्रेज है और इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपने ये कहना है ना कि हाँ इस पे जो पैसे खर्च किए हैं ना बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ इस काबिल है कि इस पे इतना खर्चा किया जाए, तो तब ये फ्रेज बोली जाती है गुड वैल्यू फॉर मनी, जिसको हम उर्दू और हिंदी में जो हम बोलते हैं ना कि ये अच्छी कीमत पे तुम्हें मिल गया है या ये इसकी मुनासिब कीमत है। ठीक है, ये जो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं ना, इसके लिए जो ब्रिटिश इंग्लिश में जो फ्रेज बोलते हैं वो लोग, वो है गुड वैल्यू फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शर्ट लेकर आए हैं, बड़ी अच्छी शर्ट लेके आए हैं, और आप जब अपने दोस्त को बताते हैं कि भाई देखो ये मुझे ना इतने में मिल गई ये शर्ट, और आपका दोस्त कहता है कि भाई बड़ी अच्छी कीमत पे तुम्हें ये मिल गई ये शर्ट, मतलब इतनी अच्छी शर्ट तुम्हें इतनी मुनासिब कीमत पे मिल गई है, तो वो कह सकता है कि दिस शर्ट इज़ रियली गुड वैल्यू फॉर मनी। मतलब उसका कहने का मतलब यही है कि ये शर्ट जो है ना वाकई तुम्हें बड़ी मुनासिब कीमत पे, बड़ी अच्छी कीमत पे ये जो शर्ट है तुम्हें मिल गई है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर ये कहना है कि ये बहुत अच्छी मुनासिब जो है ना इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत है या इसकी प्राइस है, तो कहेंगे आप दिस इज़ रियली अ गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, अगर आपने ये कहना हो कि मेरा नहीं ख्याल कि इसकी इतनी ये इतनी कीमत जो है ना ये मुनासिब है इसके लिए, ये ज़्यादा है, तो तब आप कहेंगे आई डोंट थिंक इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, कि मेरा नहीं ख्याल कि इसकी इतनी कीमत बनती है या इसकी इसके ऊपर इतना पैसा जो है ना वो खर्चना चाहिए, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ये चीज़ इतनी वर्थ नहीं करती, तो तब कहेंगे आई डोंट थिंक इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी या इट्स नॉट गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, अगर आपने कहना है कि ये चीज़ की इतनी कीमत बहुत मुनासिब है, बड़ी अच्छी मुनासिब कीमत पर मिल गई है, तो आप कहेंगे इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में कहना है कि ये मुनासिब कीमत है या नहीं मुनासिब कीमत, उसके लिए ये एक फ्रेज बोली जाती है, ये जो कि ब्रिटिश जो है जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस शूज़ आर रियली गुड वैल्यू फॉर मनी, कि ये जो तो जूते हैं ना बड़ी अच्छी बड़ी सही मुनासिब कीमत पे तुम्हें मिल गए हैं। ठीक है, इनकी कीमत जो तुमने अदा की है वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, इतना ही ये शूज़ जो है ना वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आगे सेकेंड एग्जाम्पल इज आई गॉट दिस कैमरा एट गुड वैल्यू फॉर मनी, कि मुझे ये कैमरा जो है ना वो बड़ी अच्छी कीमत पर मिल गया, कोई बहुत अच्छा कैमरा आपको बड़ी मुनासिब कीमत पर मिल गया है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इज आई डोंट थिंक दिस ड्रेस इज गुड वैल्यू फॉर मनी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो ड्रेस तुमने इतना ले लिया है इस पे तुमने जितने भी पैसे पे किए हैं वो मुनासिब है, ये तुमने महंगा ले लिया है ड्रेस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड, आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।